हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा बीएड की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। शेड्यूल जारी हो चुका है, तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आपका फर्स्ट राउंड फिलअप होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आप इस काउंसलिंग को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अगर आप बीएड की काउंसलिंग अपने खुद ही लैपटॉप मोबाइल से किसी के थ्रू भी भरना चाहते हैं तो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मैन्युअली खुद ही इसको सर्च करके करना चाहते हैं तो आपको admission.hpu.shimla.in वाली वेबसाइट पे आएंगे। जब ये वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट एक्टिविटी वाला ऑप्शन आता है, और इस आप कैंडिडेट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट राउंड बीएड काउंसलिंग का ये लिंक आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, इसको आपने क्लिक कर लिया तो अब आपका लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। इसके बाद जब आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर लिया तो आपका ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर रहेगा, उसके बाद फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता ही होगा, अगर जिन कैंडिडेट को पता नहीं है आपका यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ होता है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पहले बीएड का एंट्रेंस के लिए भरा हुआ था उसी में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है। जब आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है तो पहले आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन वाला पेज स्क्रीन पर आ जाएगा, इसको आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपके कोने में आपका मेरिट का रैंक शो हो जाएगा, और कैटेगरी के हिसाब से तो कैटेगरी का रैंक हो जाएगा, सब कैटेगरी का रैंक यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन रहेगी, यहाँ पे आपका पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपकी पर्सनल डिटेल है। इसको आपने पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको नीचे आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है वो यहाँ पे आपकी कैटेगरी रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज पूछी गई है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के नंबर डाल, अगर आपने बीए बीटेक की है तो नीचे ऑप्शन आता है बीटेक का भी, तो अगर बीटेक का है तो बीटेक डाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी गई है तो ग्रेजुएशन की परसेंटेज ही एंटर करें, उसके बाद फिर अपडेट पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ पेमेंट का मोड आ जाता है, तो जैसे आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कंटिन्यू फॉर द पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम आपको पे करना होगा फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान, उसके बाद जब आपके सेकंड या थर्ड काउंसलिंग होगी तो आपको ये वाला अमाउंट दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए HDFC का यहाँ पर बैंक शो हो जाता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट के लिए और भी ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, चाहे UPI से स्कैनर के किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट होने के बाद इस तरह का मैसेज आए तो आप घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए बाद आपने सेंड अवे पे क्लिक कर देना या फिर गो बैक पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने दोबारा से उसी पोर्टल पर आना है जहाँ से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना एंटर किया था, तो यहाँ पे फिर से आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप घबराए नहीं, दोबारा से इस पर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू फॉर द पेमेंट पे फिर से क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपका जो सक्सेस का आपका ट्रांजेक्शन का शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक आपका ट्रांजेक्शन नंबर नहीं आता है तो उसके लिए आपने दोबारा से इसको बैक पे क्लिक करना है, पेज को दोबारा से ऊपर जाएं और यहाँ से बैक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें। अगर कॉलेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, क्योंकि आपका रेफरेंस नंबर नहीं जनरेट हुआ होगा, तो कंटिन्यू पे करें फिर से पेमेंट पे, और इस बार आपका रेफरेंस नंबर शो हो रहा है तो फिर आप दोबारा से इसको बैक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे बैक का पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपके दो स्टेप जो है कम्प्लीट हो चुके हैं, ऑरेंज हो चुके हैं। इसके बाद अब कॉलेज वाला सिलेक्शन को पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अब कॉलेज वाले सिलेक्शन पे अब क्लिक करेंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो हो रही है और कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बीएड करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो बीएड कॉलेज आते हैं वो सारे के सारे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड फॉर द न्यू कॉलेज पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। अब आपने पूरे के पूरे पांच कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, उसको आपने सेव पे क्लिक करना है,
रिकॉर्ड को ओके कर देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद रहती है आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस के लिए, आपने कॉलेज तो ऐड कर लिए, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको प्रेफरेंस देनी है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पे ये कॉलेज शो हो रहा है तो यहाँ पे अगर इसको एक देना चाहते हैं तो एक करेंगे, दो तीन चार पाँच, इस तरह आप कॉलेज को रेफरेंस देख के यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पूरी प्रीव्यू आ जाएगा एप्लीकेशन का, आप चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।